एक बार एक पहाड़ के खेत में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा आदमी रोज सुबह जल्दी उठकर टेबल पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता था। उसका पोता अपने दादाजी की प्रशंसा करता था और उनके जैसा बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश की। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादू मैं आपकी तरह ही प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इससे अधिकांश को समझ नहीं पा रहा हूँ, और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताब बंद करते ही भूल जाता हूँ। अगर मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है या भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा है। दादाजी कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह लड़के की ओर मुड़े और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नीचे नदी पर जाओ और मेरे लिए पानी की एक टोकरी लाओ। लड़के ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी रिस जाता। दादाजी मुस्कुराए और बोले, वापस जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करो। लड़का मान गया और इस बार पानी लेकर घर पहुंचने के लिए तेजी से भागा, लेकिन इस बार भी घर पहुंचते ही टोकरी खाली थी। दादाजी ने फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी खाली हो जाती थी। पोता थक गया था और बोला, टोकरी में पानी ले जाना संभव नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। दादाजी ने जवाब दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप कोयले की टोकरी में ही पानी लाएं और कोशिश करें। लड़का जानता था कि यह असंभव होगा, लेकिन फिर भी उसने फिर से कोशिश की और इस बार मैं जितनी तेजी से दौड़ा लेकिन फिर भी टोकरी खाली थी। लड़का थक गया था, उसने अपने दादा से कहा, देखो दादू ये बेकार है। दादाजी ने जवाब दिया, आपको लगता है कि यह बेकार है, लेकिन टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा और देखा कि टोकरी काफी साफ सुथरी दिख रही थी। उसने देखा कि टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं और अब टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई है। दादाजी ने कहा, देखो ये टोकरी अब सब दागों से साफ हो गई है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है, आप जो पढ़ते हैं उसे आप समझ नहीं सकते या याद नहीं रख सकते, लेकिन ये शब्द आपको अंदर से और बाहर से बदल देंगे। इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।